तो गाइस लगने के बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके सामने है, वो ये रहा फाइनल रिजल्ट, बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो गाइस इसका फाइनल रिजल्ट क्या है, ये आपके सामने देखो, फोन की लुक ही चेंज हो गई। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आपको मार्केट की जानकारी अक्सर देता रहता हूं, तो इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको मार्केट की जानकारी वो देने वाला हूं जिसकी आप सबको सख्त जरूरत है। इसके अंदर मैं आज आपको क्या दिखाने वाला हूं, इसके अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं, पीछे मेरे रखिए CO2 लेजर मशीन। इससे क्या क्या काम हो सकते हैं, इससे मैं आपको पहले एक आइडिया दे देता हूँ। इससे अगर आप फ्रंट का स्क्रीन गार्ड काटना चाहते हैं वो कट जाएगा, बैक लेमिनेशन काटना चाहते हैं तो वो भी कट जाएगी, इनग्रेविंग करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। इसके अलावा जो आजकल मार्केट के अंदर ये गोल्डन शीट वगैरह चल रही है या 9H वगैरह चल रही है, वो सब भी अगर काटना चाहते हैं तो वो भी इस मशीन से ईजिली कट जाता है। तो इस मशीन में और मार्केट वाली मशीनों में क्या फ़र्क होता है, इस वीडियो में मैं इसको कवर करने वाला हूँ। कितने वाट की मशीन होती है, प्राइस क्या रहने वाला है, क्या इस मशीन के ऊपर कोई ऑफर भी रहने वाली है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए मैम हमारे साथ हैं जो कि SRT टेलीकॉम से हैं, वो हमें पूरी की पूरी मशीन के बारे में फुल जानकारी देने वाले हैं। ये मशीन 50 वाट की है या 60 वाट की है, जो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो गाइस जैसे कि देख रहे हैं, मैम हमारे साथ हैं जो कि हमें बताने वाले हैं कि ये मशीन कितने वाट की, अगर वाट के साथ साथ इसका प्राइस क्या रहने वाला है वो भी पूरी डिटेलिंग में जानेंगे। इस मशीन के ऊपर डेमो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा वो भी हम जानेंगे। तो मैम आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारे भाइयों को बताइए, ये जो आपके पास मशीन है ये कितने वाट की मशीन होती है और इसका प्राइस रहता है तो रहता क्या है? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपा है, SRT टेलीकॉम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में CO2 मशीन के बारे में बताने वाले हैं कि जो हमारे पास पहले जो CO2 मशीन थी वो कितने वाट की थी और जो अब CO2 मशीन है वो कितने वाट की है। वाट के साथ साथ साइज वाली भी अगर बात करें तो इस मशीन के साथ साइज का भी फर्क है। साइज वाली बात करें तो जो पहले मशीन का साइज आता था वो ये साइज आता था, ये साइज अभी आप देख रहे होंगे इस मशीन का जो साइज है वो ये साइज है। ये इतनी बड़ी मतलब शीट, इसके ऊपर अगर आप इतनी बड़ी शीट रखेंगे तो वो भी इससे इजीली कट जाएगी। इस साइज में और इस साइज में कितना फर्क है, जमीन आसमान मतलब डबल का फर्क है। आप देख सकते हैं इसमें डबल का पूरा फर्क है। तो इसके अंदर मैंने आपको तो डिटेलिंग में बताई दिया क्या क्या चीजें इसके अंदर कट जाती है। तो मैम ये कितने वाट की मशीन रहती है? जो सर पहले मशीन थी वो 40 वाट की थी और जो ये मशीन है ये 50 वाट की है। 50 वाट की मशीन के साथ मतलब इसका प्राइस रहने क्या वाला है? इसका प्राइस 55 है और अगस्त तक के ऑफर में इसका प्राइस 45 रहेगा। 45 रहेगा। तो मैम इसके ऊपर की अगर कोई भाई मशीन लेना चाहते हैं, जैसे ये 50 वाट की मशीन है, इसके ऊपर 60 वाट की मशीन आती है, अगर वो परचेस करना चाहते हैं तो उसका प्राइस क्या रहेगा? उसका प्राइस था 62 और अगर ऑफर में आप लेते हैं अगस्त तक के तो उसका प्राइस है 52। तो ये ऑफर जो रहने वाली है भाई, ये लिमिटेड रहने वाली है, सिर्फ अगस्त तक ये ऑफर रहने वाली है। अब रही इसके ऊपर डेमो वाली बात, तो इसके ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सारे के सारे डेमो कोशिश करके काट दूंगा। बाकी ये कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वीडियो को स्पीड फॉरवर्ड में करके मैं पूरी डिटेलिंग आपको बता देता हूँ। तो गाइस अगर कटिंग वाली बात है तो मैं आपको एक बारी बता देता हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है, इस तरह का आपको सॉफ्टवेयर मिलने वाला है, किस तरह इससे आप कटिंग कर सकते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। तो गाइस इसके अंदर मॉडल वाली बात है तो यहाँ पर ये मॉडल डालकर इसको सिलेक्ट कर लिया। इस टाइम पे हम काट रहे हैं तो इसके अंदर रेडमी नोट 10 प्रो का काट रहे हैं और इसको देख रहे ना, ये इस तरह से रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए। बाकी यहाँ वाली बात है तो मॉडल ये रहा। अब इसके अंदर आउटपुट की हम कमांड देंगे यहाँ से, फिर मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ। ये देखो आउटपुट की कमांड थी इधर, और आउटपुट की कमांड देने के बाद हमारी मशीन हो गई इधर रेडी। तो ये हमारा जो ये कट कर रेडी हो चुका है, ये हेड हमारा पीछे चला जाएगा, इसको हमें यहाँ से उठा लेना है। और ये वाली जो सारी चीज़ है ना, ये किस तरह से लगेंगी और ये किस तरह से लगेगा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। तो गाइस लगने के बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके सामने है, वो ये रहा फाइनल रिजल्ट, बिल्कुल आप देख सकते हैं फ़ोन की लुक ही चेंज हो गई, बिल्कुल ज़बरदस्त एकदम लग रहा है ये रहा। तो चलिए एक बार मैं आपको ये जो शीट रखी हुई है ये और दिखा देता हूँ किस टाइप से ये कटती है। तो गाइस यहाँ पर देख रहे हैं ना, अब आईफोन 13 प्रो मैक्स यहाँ पर आ गया है, सारे मॉडल आ जाएंगे इसके अंदर आईफोन के। अब मुझे ग्लास काटना है तो मैंने इसीलिए इधर से ये सेट किया हुआ है, कैमरा भी अपने आप कट जाएगा। बाकी आउटपुट पे मैं यहाँ पर इस टाइम पे इसको कमांड देता हूँ, इसमें ये किया और इधर हमारी मशीन रेडी हो जाती है। देखो भाई अगर मैग्नेट आगे पीछे हिलानी पड़े तो उसको हिला देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
ये कट चुका है, मैं इसको निकाल के आपको फोन पे लगा कर दिखाता हूँ। तो गाइस इसका फाइनल रिजल्ट क्या है ये आपके सामने देखो, फोन की लुक ही चेंज हो गई, बिल्कुल जबरदस्त हो गया। पीछे का जो हमारा ग्लास है ना वो भी सेफ हो जाता है। इसके ऊपर अगर एनग्रेविंग वगैरह आप करना चाहते हैं तो इसके ऊपर एनग्रेविंग करके भी आप इस पे लगा सकते हैं। इस टाइप से ये पूरा का पूरा फोन जबरदस्त हमारा हो गया। तो गाइस अगर कटिंग वाली बात है तो मैं आपको एक बारी बता देता हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है, इस तरह का आपको सॉफ्टवेयर मिलने वाला है, किस तरह इससे आप कटिंग कर सकते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। काटना सर, तो गाइस आज वीडियो में आपने देखा मैंने आज आपको इससे जो ग्लास शीट जो होती है वो कैसे कटती है वो भी मैंने इसमें दिखाया। ये 9H जो होता है हमारा ये कैसे कटता है वो भी मैंने इसमें दिखाया। 9H के बाद ये जो शीट होती है वो कैसे कटती है वो भी मैंने दिखाया। फाइनल रिजल्ट वाली बात है तो मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। फाइनल रिजल्ट ये रहा, ये आपके सामने ये रहा, ये इस तरीके से कैमरा भी इसका कवर हो जाता है। और आईफोन वाली बात है तो आईफोन का भी कैमरा कवर होता है, वो मैंने आपको वीडियो में इससे पहले दिखा दिया है। इसके अलावा आपको कोई भी CO2 के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मैम का नंबर मैंने स्क्रीन पे इसीलिए दिया है जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आप वीडियो देख के फट से निकल जाते हो, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।